गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल देर रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। यूपी सहित कई राज्यों में भूकंप आया है देर रात, और 6.4 की तीव्रता का भूकंप था। नेपाल में इसका एपिसेंटर था, यानी केंद्र था इसका। भूकंप में नेपाल में 48 लोगों की जान जा चुकी है। 10 किलोमीटर जमीन के नीचे भूकंप का केंद्र। एक महीने के अंदर ये तीसरा झटका भूकंप का महसूस किया गया। और देखिए जो जानकारी है वो ये कि 10 किलोमीटर जमीन के नीचे भूकंप का सेंटर था, और एक महीने के अंदर ये तीसरा मौका है जब भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो तेज झटकों को महसूस किया गया दिल्ली एनसीआर में, जबरदस्त झटकों को महसूस किया गया। दिल्ली के साथ साथ यूपी बिहार में इन झटकों को महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। 3 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली एनसीआर, पटना, लखनऊ से घरों से बाहर निकल आए थे लोग भूकंप के झटकों को महसूस करते होते। लोग दहशत में आ गए, हम भी अपने घरों में थे, हमें भी काफी डर लगा जब इन झटकों को हमने महसूस किया दिल्ली एनसीआर में। और धरती जब कांप रही थी तो बहुत डर लग रहा था उस वक्त। और तस्वीरें भी तमाम तरह की सामने आई। जी न्यूज आपको वो सारी तस्वीरें दिखा रहा है। धरती जब डोल रही थी तो लोग घरों से बाहर निकले, सोसाइटीज के बाहर निकले और ग्राउंड में आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। इन झटकों को महसूस करते समय काफी सहमे थे लोग, क्योंकि जो तीव्रता थी वो इन झटकों की काफी तेज थी। तो 3 तस्वीरें। अयोध्या में अलर्ट पर प्रशासन आ गया, और गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जगह पर चुकी इन झटकों को तीव्रता के साथ महसूस किया गया, लिहाजा लोग डरे हुए थे। और युद्ध का 39वां